बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के दिन देखने वाला है जो भी छात्र बीएससी सेकंड ईयर में है फिजिक्स का सेकंड पेपर लेके आए। और आपको बताइए 4 जुलाई 4/7/2022 को पेपर आने वाला है और मैंने आपको 2 दिन पहले जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और वही पेपर में आया था, ये सभी लोग जानते हैं। और लगभग 80% फंसा था, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आए, उसमें कुछ भी बाहर नहीं गया था, कुछ भी बाहर नहीं गया था। तो मैंने पूरा पेपर का रिव्यू कराया, पूरा पेपर दिखाया और देखो भाई ये देखो क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर भी आपको क्रिएट करा के बताए थे। आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो यार, जाकर वीडियो देख लो, बीएससी बाई पेपर हैकर पर आपको मिल जाएगी। बीएससी बाई पेपर हैकर जो हमारा चैनल है उस पर आप सर्च करना यूट्यूब पर बीएससी बाई पेपर हैकर, तो आपको वहां बीएससी के जितने भी पेपर हो रहे हैं या फिर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं वो सारे आपको वहां मिल जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आप देखो बात करने वाले हैं और ये जो पेपर है आपका वो सेकंड पेपर है, एमजेपीआर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है 4/7/2022 को, 4 जुलाई को पेपर है, सेकंड सेप्टेम्बर में है। तो आपको उन क्वेश्चनों को कौन कौन से तैयार करना है जो आपको 2 दिन बकाया है अभी, आज और कल, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चनों को आपको देख के जा रहा है क्योंकि आपका पेपर कल होने वाला है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ देखो कौन कौन से क्वेश्चनों को आपको देखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो पेपर में आने वाला है। तो पहले तो आप पहले क्वेश्चन पर टिक लगा लीजिए। पहला है गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम को और प्रमेय को दोनों को देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगाओ पहला वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट है, ये क्वेश्चन फंसेगा। और आपको क्या करना है, देखो पहले तो आप जैसे ही क्लास में आप जाओ, अपने पेपर आपका होता है तो सभी को आप बताओ कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से कौन कौन पढ़ के आया, पहले तो ये बताओ, ऐसे बोलना है आपको क्लास में जाकर। तो छात्र बहुत सारे होंगे यार, आप उनको बताइए कि पेपर हैकर से पढ़ो, जो क्वेश्चन वो बता रहे हैं वही पढ़ के आओ, फालतू इधर उधर मत देखो। आपसे कुछ पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा, भैया बता दो, पीछे वाला पूछता है, बगल वाला पूछता है, तो उससे कहो यार पेपर हैकर से पढ़ लो, जाओ यूट्यूब चैनल है पेपर हैकर, उससे पढ़ा कर, ठीक है, चिंता खत्म हो जाएगी तेरी। तो वो चीज़ है, कोई भी दिक्कत आती है तो हमें बताओ, कॉल करो, व्हाट्सअप नंबर आपको बताऊंगा 7037 है, 7037 3278 और 38, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए और आप मुझसे वादा करो जैसे ही आपका पेपर होता है सबसे पहले आप पेपर मुझे सेंड करोगे, सबसे पहले आप मुझे पेपर सेंड करोगे ताकि मैं उसका पूरा तरीके से अच्छे तरीके से रिव्यू कर सकूं और आपको बता सकूं, देखो ये क्वेश्चन तो मैंने बताए थे वही पेपर में आए। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब देखो पहला क्वेश्चन पे आपने टिक लगा लोगा, जो भी गेस्ट पेपर नोट्स वगैरह है और जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू उसकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करोगे, पीडीएफ की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा ऐसे सर्च करना होगा पेपर हैकर बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स एमसीक्यू, ऐसे सर्च करना पक्का बहुत सारे ऐप खुल जाएंगे हमारे, ठीक है, प्ले स्टोर पर, जो आपका फिजिक्स का हो सेकंड ईयर का पूरा टच करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने फोन में पढ़ लो। यदि नहीं हो रहा है इंस्टॉल, कोई दिक्कत आ रही, कोई इशू आ रही है, तो आप हमारे पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर सर्च करिए पेपर हैकर डॉट इन, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट का, उस पर टच करने के बाद में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपने टिक लगा लिया होगा, दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टिक लगाओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये शॉर्ट में मिलेगी, आप शॉर्ट और लॉन्ग में कंफ्यूज मत होया करो। जब शॉर्ट शॉर्ट दो मिल जाते हैं तो वही क्वेश्चन लॉन्ग बन जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन एक अपने में खुद लॉन्ग होता है, लेकिन उसके 2-3 पॉइंट होते हैं तब वो लॉन्ग होता है। एक क्वेश्चन होगा फिर यहाँ का यहाँ इसकी परिभाषा उसकी परिभाषा उसके बाद वो लॉन्ग बनता है, समझ रहे हो ना। तो एक क्वेश्चन कई क्वेश्चनों से मिलकर जब बनता है तब वो लॉन्ग बनता है, वरना वो शॉर्ट ही होता है, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि शॉर्ट लॉन्ग में कंफ्यूज नहीं होना है, आप बड़े हो चुके हो यार, अब समझदार हो, तुम छोटे बच्चे नहीं रहे कि सर लॉन्ग ही कौन अलग अलग कर दो, ऐसा कुछ नहीं। तो आप चिंता मत करो, ये देखिए गॉस की प्रमेय आएगी तो आपकी लॉन्ग में आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शॉर्ट में आएगी, मैं ऐसे बता देता हूँ कि शॉर्ट में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। वैद्युत ध्रुवण आप पढ़ के जाएंगे, वैद्युत ध्रुवण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में बनेगा आपको। आपको ये तो पता होगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो 6 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो 8 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम बहुविकल्प भी कह सकते हैं 5 क्वेश्चन बनते हैं 5 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 14, 5, 19 होती है, ठीक है, और ये कितने करने कितने होते हैं 13, 19 में से 13 क्वेश्चन करने होते हैं आपको पता है, लेकिन मैं केवल आपको 10 से 11 क्वेश्चन देता हूं एग्जाम से 2 दिन पहले। आपसे कहता हूं कि 70% लिख के ले लो, कोई आपको फेल करने वाला पैदा नहीं है जब तक हम आपके साथ हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं,
समझ रहे हैं ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और अपने दोस्तों को बताओ, फैमिली मेम्बर्स को बताओ, BA BSc BCom MSc MCom ठीक है, UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाओ यार। हमने प्ले स्टोर पर भी एप्लीकेशन बनाकर डाल रखी है, paperhacker.in पर प्ले मिल जाएंगे, पैट के, सुपर टैट के, सब के हम डाल रहे हैं यार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है मेडिसिन से रिलेटेड, उनकी जानकारी भी हम वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं ठीक है। मेडिसिन जैसे आपको दवाई की ज़रूरत है किसी चीज़ की, कोई प्रॉब्लम हो रही है ठीक है, सिर में दर्द हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, तो आपको क्या उसमें हम पूरा सिस्टम किस तरीके से दे सकते हैं। आप बिना डॉक्टर की सलाह से ना लिया करें, लेकिन फिर भी आप खुद में एक डॉक्टर बन सकते हैं। थोड़ी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है हर स्टूडेंट को, हर छात्र को, कि भाई ये दवाई किस लिए आती है, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत बेसिक तौर पर हम बता रहे हैं एक एक पॉइंट, जो कह सकते हैं जो बी फार्मा वाले सॉरी जो स्टूडेंट होते हैं, जिसे कहते हैं जो BMS वगैरह करते हैं, उनकी जो बुकें होती हैं वो मैं आपको यहाँ कॉल करा रहा हूँ ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये गॉस के सिद्धांत के बारे में पढ़ के जाएंगे। गॉस का नियम ऊपर बता चुका हूँ, देखो गॉस का नियम प्रमेय सिद्धांत वही होता है, ये पूरा क्वेश्चन वहीं देखने को मिलेगा। बात छुट्टी, उसके देखो उसके बाद में नीचे जाना है आपको, नीचे जाने के एम्पियर परिपथीय प्रमेय के बारे में आप देख के जाना है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको ठीक है। उसके बाद में आता है बल आघूर्ण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में ही बनेगा या फिर आपको लॉन्ग में भी बन सकता है ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जैसे भी आपके बुक में, नोट्स में, गैस पेपर में, यदि लॉन्ग में है तो लॉन्ग में पढ़ के जाइए, यदि ये क्वेश्चन शॉर्ट में है तो शॉर्ट में पढ़ के जाइए ठीक है। जैसे दे रखा है उस पर आप देखो, मैक्सवेल की समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 100% बन रहा है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना ऊपर बता चुका हूँ, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सतती समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% पेपर में छपेगा। अन्य प्रतिबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुणांक वगैरह जो होता है पूरा क्वेश्चन ये पूरा छप रहा है, पूरा छप रहा है याद रखना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रण के नियम पूरा क्वेश्चन छप रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाओ, रट के जाओ इनको रट के। और आप सभी दोस्तों मुझसे वादा करो, पेपर को तुरंत सेंड करोगे पेपर होते ही, और आप मुझसे ये भी वादा करो कि आप अपने जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सभी कॉलेजों में बताओगे, जितने स्टूडेंट हैं अड़ोसी पड़ोसी जितने भी स्टूडेंट छात्र हैं, जैसे कि आपके बैठते हैं, आप सीट पर बैठे हैं, काफ़ी टाइम पहले हो जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि कल का पेपर कैसा गया, आज का पेपर कैसा जाएगा, कैसे तैयारी है, दोस्तों से आपस में बातें करते हैं हम लोग जाके, तो वो चीज़ वहाँ आप जो बातें कर रहे हैं वहाँ आप पेपर हैकर के बारे में बताइए कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से पढ़ के आना है सभी को अगली बार में ठीक है। जो क्वेश्चन वो बताते हैं पेपर हैकर यूट्यूब चैनल, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल सबको बता देना है ठीक है, जोर जोर से बोलना है दबा के चलो। और यहाँ देखो कह रहा है, देखो यहाँ है बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आता है विद्युत, ये जो आप देख रहे हैं बीटाट्रॉन ये शॉर्ट में बनेगा, शॉर्ट में याद करके जाना। ये जो आप देख रहे हैं विद्युत कह सकते हैं विद्युतशीलता, ये भी आपका शॉर्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ठीक है। चलो नीचे जाते हैं, सेतलन हाउस का नियम, ये भी आपका शॉर्ट में, हाउस जो होता है ये भी आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन रट के जाना है आपको। बायो सेवर्ट का नियम, ये आप शॉर्ट में देखने को मिलेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर बता चुका हूँ। कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूलाम का नियम पढ़ के जाना, गॉस के नियम से कूलाम का नियम कैसे बनता है ठीक है। जब गॉस का नियम पढ़ लोगे तो भाई आपको कूलाम का नियम भी देखने को मिल जाएगा। क्यूरी नियम ये पढ़ के जाना है, और श्वेत प्रतिगुणांक ये ठीक है। उसके बाद में आपको विद्युत स्थिरांक छोड़ दीजिए, लॉरेंज बल क्या होता है, एक लॉरेंज बल को आप पढ़ लेना ठीक है। ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे आपके ही पेपर में, जो छप रहे हैं कह सकते हैं आपके पेपर में ये क्वेश्चन छप रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को आपको रट रट के जाना है, कह सकते हैं रट रट के जाना है। दिक्कत चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं से देखने को मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक आता है चुंबकीय अदिश विभव, और होता है चुंबकीय सदिश विभव, तो ये हो सके तो आप एक बार पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को, एक बार पढ़ लोगे तो बना बना के लिख दोगे, वरना इसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर ही सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत या कोई भी मतलब घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है। परावैद्युत ध्रुवता की परिभाषा, ये परावैद्युत ध्रुवता की परिभाषा शॉर्ट में पूछी जाती है, एक बार इसको पढ़ लेना और पढ़ लोगे तो बना बना के कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन हमसे वंचित रह जाता है, मतलब कि आपको याद नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे होगा, तो आप उस क्वेश्चन को बना बना के कर दीजिए, लेकिन छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये भी आप मुझसे वादा करिए ठीक है। मैं आपसे वादा इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको फेल नहीं होने देना है, मेरा मकसद कि आपको फेल ना हो, आप कभी निराश ना हो, इसलिए वादा करता हूँ आपसे। और आप भी मुझसे वादा करिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, और फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जो चला रहे हैं सब पे शेयर करेंगे ठीक है। वादा तोड़ना मत यार, समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से मैं आपको कहता हूँ कि दो दिन पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, तो वादा करके ने के बाद भी मैं आपको कुछ भी अपना काम छोड़कर, अभी मैं हॉस्पिटल आने वाला था ठीक है, तो उसको छोड़कर मैं आपका काम कर रहा हूँ ठीक है। तो
ये चीज होती है। तो आपको अब कहीं ना कहीं टाइम में अपना मेंशन करता हूँ, भाई आप भी यार थोड़ा सा हेल्प करिए, ज़्यादा मैं ही नहीं कह रहा डीपली जाइए कहीं, आप प्रचार करिए सीधे, नहीं आप शेयर करिए बस, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए यार, स्टेटस पे लगाओ और दोस्तों को शेयर करो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय।